नमस्कार दोस्तों, नवरात्रों का जो आखिरी का दिन है सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रों में कन्या पूजन के भोजन में किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, कन्याओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल रीना आज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे कि कन्या पूजन को भोजन के उपरांत किन किन चीज़ों का निषेध है। तो नवरात्रि में सबसे पहले कन्या पूजन का महत्व विशेष माना गया है। तो इसके संबंध में पुराणों में भी व्याख्यान किया गया है कि ब्रह्मा जी ने एक बार कहा था कि माता को अगर प्रसन्न करना है तो धरती पर कन्या पूजन को ही सबसे ज़्यादा विशेष महत्व दिया है, क्योंकि कन्या को हम श्रद्धा पूर्वक बिना किसी फल की प्राप्ति की आशा से कन्या भोजन कराते हैं तो माता अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो जिस दिन आप कन्या भोजन करवाते हैं, कुछ लोग सप्तमी के दिन कन्या भोजन करवाते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या भोजन करवाते हैं। जिस दिन आप भोजन करवाते हैं, इस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कन्याओं को एक दिन पहले से ही कन्या भोजन के लिए न्योता दे दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जब कन्या भोजन कराने बैठे उस समय आप कन्या को ढूंढने जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह उचित नहीं माना जाता है। साथ ही साथ जब भी आप कन्या भोजन कराएं तो उस भोजन में बिल्कुल भी खटाई नहीं होनी चाहिए, ना नींबू, अमचूर, टमाटर, इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। खटाई का प्रयोग करने पर शास्त्रों में माना गया है कि कन्या भोजन में माता को जब भी कोई भी प्रसाद चढ़ाएं तो उसमें खटाई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही साथ एक और बात मैं बताती हूँ आपको, जब भी भोजन बनाए तो उसमें जो व्रत में नमक डाला जाता है सेंधा नमक, उसी का प्रयोग करें। जो वाइट नमक है, समुद्री नमक बोलते हैं जिसको, उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ कन्या भोजन के साथ कन्याओं का 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक की कन्या का चुनाव करें, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या को माना जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है। और इसी के साथ जब आप कन्या भोजन बनाएं तो भोजन बनाने से पहले सबसे पहले दुर्गा माता को अर्पित करें, फिर उसके बाद में आप कन्या भोजन करा सकते हैं। अब बात आती है कि कन्याओं को उपहार में क्या-क्या चीज़ देनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग उपहार में कन्याओं को फल देते हैं तो फल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हम माता से फल की कामना करते हैं, उनको फल देते नहीं हैं, तो इसलिए फल बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। उनको ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो उनके काम में आ सके। जब तक कि वह उसमें यूज़ करते हैं तब तक उसका फल और ज़्यादा दुगना बढ़ता है, इसीलिए कभी भी फल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ दे सकते हैं आप, जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। और कुछ लोग कन्या भोजन में आजकल की जो मॉडर्न ज़माने में है, पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह और मैगी वगैरह बनाते हैं, तो सोचते हैं कि जो आजकल की कन्याएं हैं वो यही भोजन खाना पसंद करती है, बड़े चाव से खाती है। लेकिन यह मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इससे माता रुष्ट हो जाती है। आप ऐसा भोजन बनाते हैं तो इससे माता रुष्ट अवश्य होगी, क्योंकि जो पास्ता वगैरह ये सब खाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो आप खाने में बना सकते हैं काले चने, सूजी का हलवा और खीर, और आप मेवे से बनी हुई कोई भी मिठाई बना सकते हैं। और कन्याओं को भोजन कराने से पहले उनके पैर अवश्य धोने चाहिए। पैरों को धोने के बाद में किसी साफ़ कपड़े से पैरों को साफ़ करना चाहिए, फिर उसके बाद में तिलक और चावल लगाकर कुमकुम लगाना चाहिए, और उसके बाद में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। तो और कन्या भोजन कराने के बाद में माता से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर लाभप्रद रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर
दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदू सभ्यता के तीज त्यौहार व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय माता दी।